अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FSIT न्यूज़। FSIT न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका अब्दुल मजीद हाजिर हूँ आज की खबरों के साथ। तो बढ़ते हैं आज की खबर पर। काला कानून, CAA, NPR, NRC के खिलाफ गढ़वाल में जबरदस्त एहतजाजी रैली, हजारों अफराद की शिरकत, गंगा जमुना तहजीब का अमली मुजाहरा। तफसीलात के मुताबिक गढ़वाल जिले के शहर में काला कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी रैली मुनज्जम की गई। ये रैली कृष्णा रेड्डी बंगला से अम्बेडकर चौक तक निकाली गई। इस रैली में 10,000 से जायद अफराद ने शिरकत की। बिला लिहाज व मजहब व मिल्लत के कई अफराद के अलावा बरादरान वतन, स्कूली तलबा और कसीर तादाद में खवातीन ने हिस्सा लिया। रैली गंगा जमुना तहजीब का अमली मुजाहरा पेश कर रही थी। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और कौमी परचम थामे हुए थे। प्ले कार्ड्स पर मुख्तलिफ काले कानून के नारे तहरीर थे। ये रैली गढ़वाल शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई अम्बेडकर चौक तक पहुंची। इस मौके पर जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि अगर कोई आपके घर को पहुँच कर दस्तावेजात मांगने पर आप हरगिज़ दस्तावेजात ना दें। और इन्होंने कहा कि काला कानून हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, काला कानून से मुल्क के तमाम अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। అంతేకాకుండా బాలికలు భద్రంగా ఉండాల్సిన బాల్యం, స్కూల్లో ఉండాల్సిన పిల్లలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఇవాళ మా భవిష్యత్తు ఏంటి, మా పౌరసత్వం ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మోడీజీ ట్రంప్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున అరేంజ్మెంట్స్లో మునిగిపోయి మహిళలు అయితే ఓటేసి గెలిపించారో ఆ మహిళలే తిరిగి కిందకు దోస్తారనేది మోడీజీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం. ఈ దేశం మనది, మీ మనందరం ఒకటని చెప్పడానికి మేము వచ్చాం. ఈ జెండా మనందరిది, జాతీయ గీతం మనందరిది. మనందరం మన ఇంటి పక్కన, మన కుటుంబం పక్కన ఒక ముస్లిమో ఒక హిందువో ఒక సిక్కో ఉంటే, ఒక సమస్య వస్తే అందరం కలిసి పరిష్కరించుకుంటాం. మనం ఎక్కడా వ్యతిరేకించుకోము, మనందరం కలిసి జీవిస్తున్నాం. జ్యోతి గారిని ఎమ్మెల్యే గారి వైఫ్ వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ముసల్మానో మత్ డరో, అమిత్ షా జీ క్యా ఆజ్ యహాన్ పే ఠహరీ హుయీ తమామ్ అంబామ్ క్యా ఆప్కో డరీ హుయీ నజర్ ఆ రహీ హై. अमित शाह जी, आप बोलते हैं कि पहले NRC आएगा, उसके बाद CAA आएगा, क्रोनोलॉजी को समझो. अरे क्रोनोलॉजी भी समझते हैं हम, आपकी क्रिमिनोलॉजी भी समझते हैं. अरे बेचारे PM मोदी जी और अमित शाह जी करेंगे भी क्या, वो तो किसी और के हाथ की कठपुतली है. उनको ऑर्डर देने वाला नागपुर में बैठा हुआ RSS का चड्डीधार है. आपके घर NPR के जरिए से घुसा जाएगा, बड़े ही पोलाइटली तरीके से, बड़े ही आसानी से आप लोगों को पूछा जाएगा
कि आपके घर में कौन कौन रहते हैं। अगर आप सिर्फ ये पूछते तो हम जरूर जवाब देते, मगर आपने ये पूछा कि आपके बाप दादा सबकी सर्टिफिकेट लेके आओ। मगर हम औरतें आपको बुलाएंगी, खाना खिलाएंगी, पानी पिलाएंगी, जो करना है करेंगी, मगर वापस भेज देंगी और कहेंगी कि कागज नहीं दिखाएंगे। गवाह है, जब जब औरतें सड़कों पे निकली है गुलाम देश को भी आजाद करवा के रखी। आज हम दूसरी बार आजादी की जंग लड़ रहे हैं। एक बार 1947 में लड़े थे, आज इस काले कानून के लिए लड़ेंगे। कानून वापस नहीं लिया जाएगा और हम सिविल डिसओबीडियंस करेंगे। आप लोग जब एनपीआर के लिए घर आएंगे तो हम बस ये कहेंगे, हर चीज का जवाब एक ही होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं, नाम हिंदुस्तान है, हमारी जात हिंदुस्तानी है। आवाज दो, आवाज दो। देखिए ये गूंज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए और पीएम मोदी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ऐसे हजारों काले कानून लेके आओ तुम, मगर हम इसके खिलाफ ऐसे ही पुरजोश तरीके से एहतजाज जरूर जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप हमारा वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारे वीडियो देख सकें। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया।